नमस्ते एवरीबॉडी, हमारे जो दर्शक हैं और हमारे फैंस एंड फ्रेंड्स हैं उनके लिए आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो ये ट्रिपल आईएम का एक और नया कदम है आप लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने का कि कितने सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होते हैं और आप उसमें कैसे चूज करेंगे। बहरहाल आज का जो टॉपिक है हमारा वो तो बहुत ही सिंपल है और कोई भी इंसान जिसके पास कुछ भी हुनर है, कुछ भी ऐसी लाइन है, प्रोफेशनल है, वो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आ सकता है। दिस इज कॉल्ड द सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। हम लोगों ने सबने जाना है और बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं सेशंस में और आस्क ट्रिपल आईए में भी कि ये सर्विसेज क्या होती है। हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, हम लोग कमोडिटीज के बारे में बात करते हैं जो हम हाथ से देख सके, हाथ में ले सके और उसे छू सके, वैसी चीजें जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। पर आज हम सेवाओं के बारे में बात करेंगे। सेवाएं हम कैसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं, इसके लिए है सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। जैसे नाम है वैसे सिर्फ ये एक्सपोर्ट के लिए है। जैसे आपको पता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स एक्सपोर्ट को बढ़ोतरी देता है। आज हमारे साथ है डॉक्टर सिन्हा जो एक डायरेक्टर जनरल है SEPC में न्यू दिल्ली में। सो सिन्हा साहब आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर सिन्हा हमारे साथ हैं और ये बात करेंगे हमारे साथ सर्विस एक्सपोर्ट क्या होता है। सिन्हा साहब, आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू ट्रिपल IEM एंड द यूट्यूब वीडियोस जो हम अवेयरनेस के लिए बनाते हैं अपने पूरे देश के, ये फ्री रहता है और अपने पूरे कंट्री के जो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं दे कैन व्यू इट एंड अंडरस्टैंड ये सर्विस एक्सपोर्ट क्या है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी आप थोड़ा सा अपने आपके बारे में बताएं और फिर सर्विस एक्सपोर्ट क्या है उसके बारे में बताएं प्लीज। थैंक यू तृप्ति जी, काफी अच्छा लगा यहाँ पे आपके एक अपॉर्चुनिटी है नॉट ओनली टू टॉक अबाउट सर्विसेज एक्सपोर्ट बट इन जनरल एक्सपोर्ट सर्विसेज और थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना और जो इंस्टीट्यूट है अगर उसके थ्रू लोगों को जानकारी मिले तो इससे बड़ी बात क्या होगी, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं अपने हिसाब से इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उस कंट्रीब्यूशन को कोई कैसे बढ़ा सकता है बिजनेस करके, एक्सपोर्ट बढ़ा करके या शुरू करके। तो ये एक अच्छा कदम है और ऑल माय थैंक्स टू द इंस्टीट्यूट फॉर इन्वाइटिंग। टू स्टार्ट विथ, लाइक आपने पूछा कि थोड़ा सा मेरा अपना बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड ये है कि 1998 से मैं लाइक इस सर्विस सेक्टर में, एक तरह से शुरुआत मेरी सर्विस सेक्टर से ही, ITPO और NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ IT में भी है वो, और ITPO जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का पार्ट है उनका एक जॉइंट वेंचर होता था नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन मैदान में। तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो ट्रेड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड था और उस समय इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन एक तरह से शुरू हो रहा था, IT की पकड़ हो रही थी हर चीजों पे, लोग कंप्यूटराइजेशन की तरफ जा रहे थे और एक उसमें नीड हुआ कि जो एक्सपोर्ट के लिए इंफॉर्मेशन किस तरह से प्रोवाइड किया जाए इंडियन एक्सपोर्टर्स को। और वो इंफॉर्मेशन बाहर के मार्केट को लेकर के, बायर को लेकर के, या मार्केट के विषय में जानकारी देनी हो, तो इसके लिए ये एक सेंटर बनाया गया था एज ए जॉइंट वेंचर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ओके, सपोर्टेड बाय ITPO एंड NIC। और वहीं से मेरी करियर की शुरुआत हुई आफ्टर आई फिनिश माय MBA इन मार्केटिंग। खुशकिस्मती है कि आप यहाँ पे सर्विस में आए और हमारा मिलना भी हो चुका। वेरी वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी दैट यू हैव हैड डॉक्टर सिन्हा। मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि सर्विस एक्सपोर्ट क्या है। प्रोडक्ट और कमोडिटी तो हमें पता है पर सर्विस एक्सपोर्ट क्या चीज होती है, ये सवाल का जवाब देना आसान भी है डिफिकल्ट भी है, तो मैं थोड़ा सा अलग ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी सर। हाँ, कमोडिटी एक्सपोर्ट जो भी है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसा कि शुरुआत में आपने बताया कि बहुत टैंजिबल हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं। और उससे एक्सपोर्ट सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल, वो ये कि
एक नेशन के बॉर्डर से क्रॉस करके दूसरे नेशन में पहुंचाते हैं, हाँ। चाहे वो हवाई जहाज से जाए या किसी भी बॉर्डर ट्रांसपोर्ट से चला जाए, गुड्स फिजिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन नेशन टू द अनदर इज अ सिंपल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट या कमोडिटी एक्सपोर्ट। सर्विसेज बिकॉज ऑफ इंटेंजिबिलिटी ऑफ इट्स नेचर कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो इसको डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स है जिसे हम समझ सकते हैं। Yes. Business export चार तरीके से, अनलाइक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट। कहीं कहीं मैन्युफैक्चर, अब आजकल एक नया टर्म आ रहा है सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बेसिक्स सबके समझने के लिए चार तरीके से सर्विस एक्सपोर्ट्स पॉसिबल। सबसे पहला और सिंपल जो डिजिटल मीडियम, okay. मैं अगर एक डॉक्टर हूँ या लॉयर हूँ, मुझे कुछ एडवाइस देना है जिसके लिए मुझे फॉरेक्स कंट्री को या मुझे मिलेगा, तो दैट इज एक्सपोर्ट जिसको मैं डिजिटली ट्रांसफर कर सकता हूँ। ओके, तो जितना भी जैसे टेलीमेडिसिन इज वन वे, बहुत सारे डिजाइन जैसे आजकल गेमिंग इंडस्ट्री या कार्टून इंडस्ट्री, आई कैन डिजाइन और उसको मैं भेज सकता हूँ। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कंस्ट्रक्शन, yes. तो इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी एक बहुत बड़ा एरिया, डिजाइन यहाँ पे पूरी टीम डिजाइन तैयार कर सकती है और उस डिजाइन का डिजिटल ट्रांसफर हम कर सकते हैं, तो दैट इज वो प्रोजेक्ट इंडिया ने कई बहुत कंट्रीज के लिए किया है। तो पहला मोड ये है एक्सपोर्ट। दूसरा है, और इसमें लगभग सारी सर्विसेज आती है, कुछ सर्विसेज नहीं आएंगे जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म या किसी को अपना इलाज करा। दूसरा जो मोड है उसको मोड टू बोलते हैं, और उसमें सिंपल लैंग्वेज में कि उस सर्विसेज का कंजम्पशन कंट्री में आकर के होगा, तो जितने भी इनबाउंड टूरिस्ट हैं, मतलब पूरी दुनिया से जो ट्रैवलर्स हमारे आते हैं, दे स्पेंड द मनी इन द कंट्री, तो वो हमारे लिए एक्सपोर्ट होता है। तो जितने भी इनबाउंड ट्रैवलर्स हो गए वो एक्सपोर्ट हो गए, जो भी हमारा एजुकेशन लेने के लिए जो स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया में एडमिशन, तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है। ओके, सर्विसेज कंज्यूम इन द कंट्री। ओके, फिर जैसे मेडिकल वैल्यू टूरिज्म काफी आजकल चर्चे में है, इलाज करवाने इंडिया आना है, हॉस्पिटल में जाना है, तो इनको मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, पेशेंट है आते हैं, लेकिन ये भी एक तरह का टूरिज्म है जैसे मेडिकल वर्ड अटैच्ड है, तो इसको मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का नाम दे दिया। तो एनी सर्विसेज कंज्यूम, तो जो किसी भी कंट्री से यहाँ आया और अगर हम कोई सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज इन मोड टू। ऑलराइट, मोड थ्री इज परमानेंट एंटिटी इन द कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल एजुकेशन का जैसे दिया, या हॉस्पिटल्स, कुछ भी, हम वहां पे एक अपनी एंटिटी इन्वेस्ट करके जो भी है वहां खोला लोकल कोलैबोरेशन से एक परमानेंट ऑफिस के, तो वो एक मोड थ्री। इसमें बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे जो जॉइंट वेंचर्स आते हैं वो सारे इसमें। और सबसे लास्ट मोड है जो मोड फोर है, वो एक तरह से कॉम्बिनेशन है पहले मोड का और टेम्पररी ट्रांसफर, जैसे टेलीमेडिसिन, या ऐसे सोच सकते हैं नर्सेस, एक सिंपल एग्जांपल, नर्सेस को ट्रेनिंग दिया गया से यूके मार्केट के लिए, वो और हॉस्पिटल ने उनको थोड़े दिन के लिए वहां पे 6 महीना साल भर के लिए टेम्पररी पे रखा, उन्होंने सर्विस रेंडर किया, वापस चले। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर्स के साथ ऐसा हो सकता है, टीचर्स थोड़े दिन के लिए चले गए, इंजीनियरिंग जितने कंस्ट्रक्शन टर्नकी प्रोजेक्ट्स, इंजीनियरिंग डिजाइन यहाँ से चला गया, लेकिन लास्ट माइल सर्विसेज देने के लिए वहां चले गए, फिर वापस आ गए। तो ये चार मोड, फिफ्थ मोड भी कुछ कॉम्बिनेशन में भी इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन ये चार मोड है एकेडमिक इंटरेस्ट। तो सर्विस एक्सपोर्ट्स एनीथिंग व्हिच कैन बी सर्व बाय एनी ऑफ दीज फोर वे यू नो कम्स अंडर सर्विस एक्सपोर्ट्स। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सर। नाउ ये जो हमारे नए फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल ही फ्रेश पढ़ के आए हैं, और वो
कौन से प्रोफेशनल्स हैं जो सर्विस एक्सपोर्ट में जा सकते हैं, मतलब उनके पास इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड शायद होगा शायद नहीं होगा, दे आर थरो प्रोफेशनल्स, कोई है डॉक्टर है, कोई है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई है लॉयर है, कोई MBBS बन के भी वो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये सब कैसे कर सकते हैं, मतलब उनके लिए एक नया मार्ग खुल सके? काफी अच्छा सवाल है। इनफैक्ट अगर मैं सिर्फ डिजिटल मोड की बात करूं, मैं ये बता रहा था कि जैसे एक एग्जांपल डॉक्टर का लेते हैं, टेलीमेडिसिन कैन बी वन वे, लेकिन टेलीमेडिसिन में रेगुलेटरी बैरियर्स काफी हैं और उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे हर जगह हम कंसल्टेंसी नहीं दे सकते, एज सेड इन द बिगनिंग की हेल्थ केयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत रेगुलेटेड है, लेकिन फिर भी जैसे गेमिंग में आजकल काफी लोग यहाँ गेम्स बना रहे हैं और डिजिटली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ITS जो सर्विस है, IT इनेबल्ड सर्विसेस, हाँ बहुत कंसल्टिंग बहुत स्कोप है। जैसे मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, उसमें भी डॉक्टर्स फैसिलिटेटर्स के साथ ये कर सकते हैं, कुछ वेंचर कोलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से जो पेशेंट आते हैं वो ज्यादातर फैसिलिटेटर्स लाते हैं जिनको प्रोमोटर भी बोलते हैं, okay. तो उनके लिंकेजेस काफी होते हैं, तो डॉक्टर अगर डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में या डॉक्टर अगर वेंचर करें हॉस्पिटल खोल करके या छोटा सा एक नर्सिंग होम जो स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करें तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। एजुकेशन में थोड़ा बाहर से लाना, क्योंकि ज्यादातर लोग इंडिया से बाहर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पे बाहर से काफी कम स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज और उसकी बात चल रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन पे काफी कुछ उसमें तरीके बताए गए हैं, काफी अच्छे पॉलिसी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी दी गई है, वो हेल्प कर सकता है। ओके सर, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग बहुत अच्छा मार्केट है, लीगल प्रोफेशनल सर्विसेज में LPOs हैं। यस या या तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सर्विस, हाँ ये सब कर सकते हैं, तो म्यूजिकल ट्रांसक्रिप्शन है या फिर ये जो KPOs हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटपुट, तो ये सारे हम कर सकते हैं। सर आज ही मैंने DGFT के ट्विटर पे पढ़ा है कुछ 26,070 billion $26.70 billion का हमने सर्विस एक्सपोर्ट किया है विथ अ जंप ऑफ 53% फ्रॉम 2021 इन अप्रैल 2021 एंड नाउ इन अप्रैल 22। सो व्हाट इज दिस, व्हिच आर द फाइव सेक्टर्स इन व्हिच और व्हिच आर द फाइव सर्विसेज इन व्हिच वी हैव डन सो वेरी वेल? थोड़ा सा डेटा आई थिंक कि उतने हजार बिलियन नहीं है, ये है जो अभी जो एक्सपोर्ट अभी जो फिगर आया है वो 254 billion US का। सर दिस इज, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट अप्रैल, अप्रैल में आया है मेरे पास ये DGFT का है, हिट है हिंदुस्तानी, 26 billion होगा। यस 26.60 billion USD, यस 26 बिलियन है एक्चुअली। एक एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा बिफोर आई कमेंट ऑन द डेटा पॉइंट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो भी होता है कमोडिटी एक्सपोर्ट्स, यस डेटा कलेक्शन मंथली बेसिस पे बहुत इजीली हो जाता है, ओके क्योंकि HS कोड है और वो यूनिफॉर्म डेटा कलेक्शन सिस्टम। सर्विसेज में अभी दिक्कत है क्योंकि कोई भी एजेंसी नहीं है अदर देन RBI जो डेटा कलेक्ट और बैकअप ऑफ द डेटा 3-4 महीने के बाद आता है, तो जैसे अभी मंथली डेटा आया, अभी ब्रेकअप हमारे पास कुछ महीने के बाद पता चलेगा, ओके 26 बिलियन किस किस सेक्टर में डिवाइड है। और जो जैसे हम और आप जो सेक्टर के की बातें करते हैं, से फॉर एग्जांपल एजुकेशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ओके जो डेटा कलेक्शन है वो थोड़े अलग कोड पे, वो इतना ब्रॉड नहीं, वो बहुत नैरो डाउन है एक एक कोड पे, तो जिसको हम किसी एक सर्विस में डिफाइन कर सकते हैं, हो सकता है कि वो मतलब जब जनरल लैंग्वेज में हम बात करें तो कहीं और भी वो अकाउंट है, तो सर्विसेज डेटा में एक बहुत मेजर इशू है जिसको हम लोग ACPC भी एड्रेस कर रहा है और WTO वगैरह सभी इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया में DGFT और DGCRS,
मैं इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव फैक्टर है जो डेटा पे ओवरऑल अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पिछले साल इस साल में काफी ग्रोथ है, 204 या कुछ इस तरह का था पिछले बार एक्सपोर्ट बिलियन यूएस डॉलर, जो कि 254 बिलियन यूएस डॉलर हुआ। Yes. और काफी जंप एट अराउंड 20% to 21% ग्रोथ पे ये है। इसमें आईटी डेफिनेटली प्लेड अ मेजर रोल। ओके। लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे जो सर्विसेज थी वो डिजिटली ट्रांसफर होती थी और आईटी इंडस्ट्री एक्चुअली ग्रो। और मैरीटाइम एक्सपोर्ट्स जो कि हाई वैल्यू ये ट्रांजेक्शन हैं उसकी वजह से भी डेटा काफी ज्यादा है। ओके। ट्रैवल एंड टूरिज्म जो कि बिल्कुल 74% डिक्लाइन था यस, तो उस वो अभी पिकअप करेगा। तो फिर भी साइंस अच्छे हैं कि इतना डिक्लाइन बाकी सेक्टर्स में होने के बावजूद भी ये बढ़ा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने भी पिकअप थोड़ा किया, अभी और करेगा। तो मिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लेकिन आगे जैसे 2022 to 2023 डेटा आएगा या जो टारगेट हमें दिया गया है वो है कि 350 बिलियन हम अचीव करें। ये मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग में बताई हमें, लाइक 254 है, हमने 300 बोला, 350 का, क्योंकि अगर सर्विसेज में जो सर्विसेज नहीं परफॉर्म कर पाई थी बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन वो परफॉर्म करेंगी तो 350 अचीव हो जाएगा। लेकिन फिर भी इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स की जरूरत है, 350 बहुत डिफिकल्ट टारगेट है, अगर इंसेंटिव मिलता है तो जरूर हो जाएगा। जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रैवल एंड टूरिज्म, गेमिंग इंडस्ट्री काफी बड़ा रोल प्ले करेगा और बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग जैसे है। अकाउंटिंग, यस यस सर, आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण टूरिज्म का तो आपने बताया, बट जो हम कहते हैं कि इंडिया में वो आईटी भी आपने बता दिया, विच आर द अदर प्रोफेशनल्स हु कैन अर्न वेरी वेल एंड इंडिया कैन अर्न विद द फॉरेन एक्सचेंज विद सर्विस एक्सपोर्ट, और कोई सेक्टर्स ऐसे हैं जो हर कोई इंसान उसमें जा सकता है? एक आपने आईटी का दिखाया हमें, बताया एग्जांपल देके, एक टूरिज्म का जो हमारी ट्रैवल एजेंसी होगी तो वो यहाँ पे बाहर की दुनिया के लोगों को यहाँ पे घूमने घामने के लिए लेके आ सकते हैं, एक मेडिकल टूरिज्म है जो यहाँ पे हम उनका इलाज कर सकते हैं, देन यू ऑल्सो सेड अकाउंटिंग, तो ये हर कोई इंसान, जैसे नर्सिंग तो नर्स कोई भी बन सकता है आज के जमाने में, तो आप ऐसे कोई सेक्टर हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो इसमें आ सकते हैं? बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो कि अभी तक लोगों की नजर में नहीं आए, लेकिन वो एक तरह से अब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने हिसाब से। जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा, मार्केट रिसर्च। जब भी मार्केट रिसर्च की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी कंपनी आती है। ओके। अभी एक वो मार्केट रिसर्च भी एसईपीसी के परव्यू में, उस सर्विस में जो प्रेजेंट डेटा है थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि केपीएमजी ने स्टडी की, एक ऑर्गेनाइजेशन है एमआरएसआई जो मार्केट रिसर्च में जितने भी फॉर्म्स हैं उनका स्टेशन है, एसईपीसी विल बी टाइंग विद देम आल्सो थ्रू एमओयू आल्सो वी आर गोइंग टू हैव सम टाई अप। उनका एक डेटा आया कि अभी एट प्रेजेंट उनका जो मार्केट साइज है 2.5 बिलियन यूएस डॉलर अभी। Okay. और उसमें ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट्स है। ये मतलब एक छोटा सेक्टर है, अभी लोगों को पता नहीं है, और ज्यादातर जो काम इंडियंस को मिल रहे हैं वो एक्सपोर्ट का ही है, मतलब बाहर की कंपनी प्रोजेक्ट्स लेती हैं और वो आउटसोर्स करती है इंडियन कंपनीज को, जैसे आईटी इंडस्ट्री में, और ये बढ़ करके 10 बिलियन हो जाएगा अगले 7-8 सालों। All right. 10 बिलियन में इनका जो है वो है अबाउट 7.4, मतलब 74% दे से विल बी एक्सपोर्ट्स। All right. Okay. तो ये काफी इवॉल्विंग सेक्टर है। Okay. मार्केट रिसर्च
उसी तरह से अभी कंस्ट्रक्शन का मैंने नाम लिया, उसमें प्रोफेशनल्स जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटी है. ऑफकोर्स इंडिया को काफी कॉम्पिटिशन उसमें होता है बाहर, लेकिन कुछ रेगुलेटरी बैरियर्स में जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं एड्रेस करने का विद डिफरेंट कंट्री, जो FTA की बात हो रही है वहाँ हम ये रेस कर रहे हैं. आर्किटेक्चरल सर्विस वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, और लीगल एक बार बताऊंगा कि कल ही एक कॉन्क्लेव हमने किया था लीगल सर्विसेज पे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. और बजट अनाउंसमेंट जो हुआ इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें आपने देखा होगा कि गुजरात में गिफ्ट सिटी में भी एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर खोलने की बात है. हाँ, जिसको आपने भी प्रपोज किया था ICPC ने भी. Yes. लेकिन उस पे इंडिया का जितना भी आर्बिट्रेशन का केस है वो सिंगापुर चला जाता है या कहीं, तो देर इज अ ड्रेन ऑफ फॉरेक्स जो हमें आना चाहिए. हमारे यहाँ का अगर कोई केस है, अगर हम यहाँ देखे, या जैसे सिंगापुर में इट्स एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, ओके, दुनिया के कोई भी केसेस को वहां पे टेकअप किया जा सकता है. तो दैट कंट्री इज अर्निंग अलाउ. जब मैं डेटा देख रहा था तो 89 बिलियन 2018 का डेटा है, 89 बिलियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का डिस्प्यूट वैल्यू है. ओके, इतना बिलियन का वो मार्केट समझ सकते हैं. और जिसमें लंदन में जो आर्बिट्रेशन सेंटर है और इंडिया का सारा ऑलमोस्ट मोर देन 50% गोज टू सिंगापुर. तो वी हैव एनफ स्कोप ऑफ वर्क, मतलब इसका 3% भी अगर हम शुरुआत में लाए तो ये एक बड़ा मार्केट है लीगल सर्विसेज का, अदर देन लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग. ऑल राइट सर, नर्सिंग का एक एग्जांपल चूंकि आपने दिया तो बताना जरूरी है. वहां पे नर्सिंग में पोटेंशियल बहुत है लेकिन वी आर लैकिंग. ओके, लैक कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अनुभव, जब मैंने बताया कि ब्रांड इंडिया फार्मा कैंपेन जब लॉन्च किया गया था जापान में, उसी समय पॉलिसी मेकर्स भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से गए थे काफी, और हेल्थ केयर का भी एक डेलीगेशन था साथ में. वहां बातें हो रही थी, जापान इज एन एजिंग सोसाइटी और दे नीड फार्मा पे कॉस्ट कम करना चाह रहे थे और हेल्थ केयर सर्विसेज में दे वांटेड नर्सेस. अब आप एक बात बताइए, इतना कल्चरल ट्रेनिंग जापान के क्वालिटी एस्पेक्ट के हिसाब से ट्रेनिंग इंडियन नर्सेस को अगर जब तक नहीं दी जाएगी तो जापान में सर नहीं कर सकते. यू नो यू हैव टू बी लाइक देम टू सर्व देम. यस ऑफ कोर्स. तो वो एक क्वालिटी कंफॉर्मिटी जरूरी है कि आपके नर्सेस उतने ट्रेन्ड हो जो जापान के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उसको मैच करे. दूसरा, डू दे नो द लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज एंड द कल्चर. ओके, जो भी पेशेंट होंगे पुराने होंगे. ओके, मतलब कोई भी, आई एम नॉट लाइक सारे स्पेक्ट्रम में पेशेंट्स होंगे, लेकिन अगर उनको सर्व करना है तो दे वुड डेफिनेटली बी लाइक टू सर्व इन द वे देयर कल्चर इज. सेम थिंग होल्ड्स ट्रू फॉर एनी अदर कंट्री. तो नर्सेस को हम नर्सिंग सर्विसेज हम उस समय तक बाहर नहीं दे सकते टू द पोटेंशियल जो अवेलेबल है, जब तक कि हम स्किल डेवलपमेंट ध्यान. Yes, all right, okay. Sir, one more question. Our merchandise exports, जो हम करते रहते हैं और बातें भी बहुत होती हैं और उसका न्यूज में भी बहुत सारा उल्लेख होता है, तो ऐसे ही HS codes, ITC HS codes service export में है क्या? नहीं, और ये major issue है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले किसी एक सवाल के जवाब में मैंने बोला. Trying to sort it. Yes. Unfortunately, क्या हुआ है कि जब services exports एक्चुअली ये इवॉल्व कर रहा अभी भी, लाइक जितनी आसानी से हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को डिफाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते. तो जो भी बायलैटरल ट्रेड डेटा है वो अलग अलग कोडिंग सिस्टम है. RBI की कोडिंग सिस्टम हमारे पास है क्योंकि उनका पर्पस अलग है, इसलिए वो पर्पस कोड बोलते हैं. वो है जो भी फॉरेक्स है उसको अकाउंटिंग पर्पस के लिए वो बनाया गया. ऑलराइट, कमिटी अभी बनी है जो एक CPC कोड यूज करते हैं हम लोग इसके लिए सर्विस. CPC कोड, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, सेंट्रल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन कोड, CPC कोड सर्विसेज के लिए यूज होता है. नया वर्जन आया है
ओके, इसमें जिस तरह से सर्विसेज डिफाइन की गई हैं वो बिजनेस सर्विसेज हैं और इस तरह से अदर बिजनेस सर्विसेज हैं, इस तरह से कैटेगरी है। इट इज नॉट डिफाइंड जैसे हमारा चैंपियंस सेक्टर डिफाइंड है, वैसा नहीं। तो कोड्स को आपको क्लब करना होगा, लेकिन डेटा रिपोर्ट उस ढंग से नहीं होती। और ACIS एक इंसेंटिव दिया जाता था सर्विस एक्सपोर्टर्स को, उसके लिए DCFT ने एक CPC कोड ही लिया था, कुछ सेलेक्ट कोड्स लिए। तो अभी तक डेटा कलेक्शन पे बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है अदर देन व्हाट RBI इज डूइंग। ऑलराइट, हम लोग ट्राई कर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे एक्सपोर्ट सर्विसेज के अकाउंटेड ही नहीं है। ओके, आई नो मेनी कंपनीज, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म की हम बात करते हैं, वैसे ही कॉन्सेप्ट है माइस का। हाँ, माइस का कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन एंड एग्जीबिशंस, यस। माइस में आई नो मेनी कंपनीज जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हाँ, लेकिन वो अकाउंट का ही नहीं हो रहा। ओके, okay. के पास आ रहा है डेटा फॉर एक्सपोर्ट दे रिसीव, बट दे आर आल्सो द एक्सपोर्ट, इस तरह से कई सारे हैं। तो वो सिस्टम अभी इवॉल्व कर रहा है। ACPC इज आल्सो प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दैट। ऑलराइट सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम आपने जैसे बताया कि हमारे पास CPC कोड है और काफी लोग CPC CPC हमारे पास कोड है, पर काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, इसीलिए हमारा ये वीडियो है जो YouTube पे जाएगा और हमारे लाखों सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको जानने को मिलेगा। पर सर, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने एक बड़ी सी मशीन बेची किसी को, सो ही हैज एक्सपोर्टेड एक्चुअली, आफ्टर द एक्सपोर्ट आफ्टर सेल्स सपोर्ट जो देना होता है इंजीनियर्स के थ्रू, तो वो इंजीनियर्स वहां पे जाके ऑन साइट उस कंट्री के साइट पे सपोर्ट देके वापस इंडिया आ जाते हैं, इज दिस कॉल्ड सर्विस एक्सपोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल, जो मोड 4 और आजकल जो मैं टर्म अभी एक बताया शुरू में, सर्टिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो यही है। सो दिस इज द एग्जांपल आई यूजुअली गिव टू ऑल माय मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, दैट यू कैन डोंट जस्ट सेल एवरीथिंग। आप जब मन चाहे हमें फोन कर दीजिए, हम आपको ये सर्विस देंगे, वो सर्विस देंगे, मेक अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड रजिस्टर विद SEPC एंड यू कैन क्लेम दैट अमाउंट और फीस विच कैन बी अ पार्ट ऑफ SEPC। सर, SEPC में रजिस्टर करना जरूरी है या फिर FIO में रजिस्टर करे RCMC के लिए तो चलता है? इसमें ये भी काफी लोगों ने पूछा है, ये मैं वापस आता हूँ जहाँ से शुरू किया था, कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट काउंसिल्स। ओके, हर एक काउंसिल सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। यस, ठीक है। और FIO एक एपेक्स बॉडी की तरह है और उनको एक मैंडेट दिया गया है सारे सेक्टर्स के, लेकिन फिर भी लोग FIO की मेंबरशिप लेते हैं, लेकिन साथ में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक काउंसिल है उसकी मेंबरशिप। यस, सब्जेक्ट स्पेसिफिक काउंसिल में उन्हें एक वैल्यू एडिशन मिलता है उनके एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी मैटर्स विद फोकस्ड अटेंशन। अनफॉर्चुनेटली सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में लोगों ने RCMC ली, जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट, वो सिर्फ इंसेंटिव के लिए लिया। ओके, दे मिस्ड आउट दैट वैल्यू जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं। हाँ जी, तो हाँ, तो ऐसा कोई रोक नहीं है कि वो FIO की मेंबरशिप नहीं ले। हाँ, लेकिन अगर उनको फोकस्ड अटेंशन चाहिए तो SEPC, तो SEPC। और ऑफ कोर्स एक मैंडेट था कि कुछ लोग कंपेयर करते हैं मेंबरशिप फी, लेकिन हम अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन इवेंट साल में 50 करेंगे सर्विसेज के लिए, वो मल्टी सेक्टोरल करेंगे FIO। ओके, और एक मतलब एक डेलीगेशन ले जाएंगे, ढेर सारे प्रोडक्ट रहेगा, सारे एक दो सर्विसेज, तो फोकस अटेंशन कभी मिलेगा नहीं। ऑलराइट, नाउ जैसे जब हम आप क्या बताएंगे, I mean, is it that there are no government benefits for service exports, is that so? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इसका एक एग्जांपल अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी दिया कि अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से जब ACIS था उसके पहले भी लोगों ने सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को सीधा इंसेंटिव से इसको ऐसे समझता okay. कि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे वो मिल रहा। ओके, मान लिया, लेकिन एक पूरी जर्नी टू बिकम एन एक्सपोर्टर
या कहीं मार्केट में और वेंचर करें, उसके लिए भी स्कीम्स बहुत सारी। ओके। और उस स्कीम को बाकी काउंसिल्स ने काफी यूज किया, अनफॉर्चुनेटली एसीपीसी ने अवेयरनेस क्रिएट नहीं किया, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। जैसे अभी आपने बहुत सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री एक एग्जांपल है कि टूर ऑपरेटर बाहर जाकर के हमारे साथ एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके एग्जीबिशन का ऑलमोस्ट 60% कॉस्ट उनका सरकार पार्शियली टेक केयर करती, रीइंबर्स करती है, रीइंबर्स उनका एयर फेयर करेंगी। यस। लेकिन जो सब्सिडाइज स्टॉल मिलते हैं, एक जीरो जिनका एक्सपोर्ट है, जीरो वैल्यू, वो भी साथ में जा सकते हैं काउंसिल के, उनको बायर्स मिल सकते हैं। और ये मैंने फार्मा, इंजीनियरिंग, हर सेक्टर में देखा है। ऐसे फार्मा इंडस्ट्री जो स्मॉल प्लेयर बड़े बने, 10 सालों में मैंने बड़े बनते देखा उन्हें, जीरो वैल्यू था, वो 100 करोड़ तक पहुंच गई थ्रू दिस। यस। तो उनको मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव बहुत बेनिफिट है। उसके अलावा सर्विसेज में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फॉर एग्जाम्पल, एमएसएमई, वो भी काफी बेनिफिट दे रहा है। यस। ऑल राइट सर, व्हाट इज द रोड अहेड? अभी हम बताएंगे दैट डॉलर इज नाउ, रुपीज इज एट 77 फॉर डॉलर, रुपीज हैज गॉन डाउन, वी मस्ट डू बिजनेस इन एनीथिंग व्हिच इज इंडिया इज इंडिया जिसमें आत्मनिर्भर है। हम कह रहे हैं टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट के ऊपर आप भरोसा, मतलब इंपोर्ट के ऊपर खर्चा मत करो, आप अपनी चीजें का एक्सपोर्ट करो और हमारी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाओ, देश की फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाओ। तो व्हाट इज द रोड अहेड फॉर सर्विस एक्सपोर्ट? क्योंकि सर्विसेज तो हमारे खुद की स्किल्स हैं, हमें इसमें तो कोई इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, हम ही जो है वो सर्विस कर सकते हैं। नहीं, सर्विसेज स्किल बेस्ड भी है और इंपोर्ट बेस्ड भी, और एक अच्छी चीज है कि सर्विसेज में इंपोर्ट होता है। जैसे मेडिकल वैल्यू टूरिज्म की एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वहाँ पे हमें इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने होते हैं जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के, हॉस्पिटल्स के स्कैनर, इस तरह से मशीन्स, वो इंपोर्ट होता है। मैरीटाइम में कई सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं, तो इंपोर्ट जरूर होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इंपोर्ट नहीं। जैसे हाई एंड सॉफ्टवेयर्स, हाई एंड कंप्यूटर्स आईटी इंडस्ट्री के लिए, गेमिंग, कार्टून, तो बहुत सारे जैसे कैमरा है, वीएफएक्स स्टूडियोज, तो बहुत सारे गैजेट्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं। लेकिन वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उस इंपोर्ट को करती है, लेकिन एक्सपोर्ट्स मल्टी फोल्ड, मेनी फोल्ड बढ़ सकता है। और आप देखेंगे कि पिछला कई साल का भी डेटा मिल जाएगा, और अभी भी सर्विसेज हमेशा सरप्लस में। यस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहा, कहीं ना कहीं सर्विसेज एक्सपोर्ट का जो सरप्लस है वो डेफिसिट इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड को बैलेंस कर रहा है या पार्शियली कवर कर रहा है। तो इंपोर्ट तो हमेशा होगा, अगर दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। आगे कैसे बढ़ सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट डेफिनेटली, वो बहुत जरूरी, नए मार्केट्स, नए एरियाज, इसी तरह से। ऑल राइट, ओके, यस, वी कैन आल्सो से दैट अपार्ट फ्रॉम ऑल द एग्जांपल्स दैट वी गेव टू आवर व्यूअर्स, एक और बड़ा सा एग्जांपल है जो हमारे इंडिया का बहुत बड़ा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारे इंडिया की, जो है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो थिएटर्स, जो फिल्में बाहर जाती हैं, जो हम शोज करते हैं बाहर के दुनिया में, वो भी आके हमें, जैसे दे आर आल्सो सर्विस, पार्ट ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट। सर आज हमें बहुत कुछ समझ में आया, बहुत कुछ समझने सीखने को मिला अबाउट सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। और हमारे व्यूअर्स के अगर कोई प्रश्न आते हैं और हम उनका जवाब, हमको पता अगर इतना नहीं हो रहा है, तो हम जरूर आपको पास ऑन करेंगे हमारे व्यूअर्स को। ये आईडी आपके पास है? हाँ,
यस यस डेफिनेटली सर, हमें बहुत कुछ आज जानने को मिला. आई एम सो ग्लैड सर दैट यू कुड टेक आउट सम टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, एंड आई रियली IIIM की ओर से सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. डॉक्टर अभय सिन्हा, डायरेक्टर जनरल SEPC सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, सर बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. मेरे लिए भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कुछ बताने के लिए. थोड़ा सा डिफिकल्टीज शायद हुआ क्योंकि आदत थोड़ी छूट गई है, मतलब कहते हुए मुझे खराब भी लग रहा है. नहीं सर, हिंदी और इंग्लिश पता नहीं, बट नहीं अच्छी की लोगों को समझ रहा है सरल भाषा में. Everything is good, sir. बहुत सरल भाषा में आपने बताया, and I am very, very thankful and grateful to all my viewers जिन्होंने हमें बहुत ही उत्साहित किया है और नए नए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के हम ऐसे इंटरव्यूज लेके आते हैं. Thank you all very much. शुक्रिया, धन्यवाद, and have a wonderful Sunday. Thank you, sir. Thank you so much.